चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज 0.20 डिग्री फॉर द सोडियम लाइट वेवलेंथ दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज बाई 10% द नेसेसरी चेंज इन द वेवलेंथ इज कितना होगा। तो सबसे पहले फिगर एक बना लेते हैं, ये एक स्क्रीन है और ये S1 है और ये S2 है, ठीक है, और यहां से जो सेंटर इसका होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां बनेगा और उसकी जो विड्थ है, इन दोनों का जो सेंटर होगा S1 और S2 का, दोनों के बीच की डिस्टेंस तो स्मॉल d होती है, तो इस सेंटर से ये कितना फ्रिंज एंगल बना रही है, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो कितना एंगल बना रही है, वो होगा थीटा। और जो ये डार्क है, पहला डार्क और ये पहला डार्क, दोनों डार्क कंसेक्यूटिव डार्क के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को बीटा कहते हैं। बीटा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये कितनी होती है, थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये डिस्टेंस कैपिटल डी कहलाती है, स्क्रीन से स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क हो गया बीटा और रेडियस क्या हो गया, डी हो गया। तो बीटा की वैल्यू यहां रख दें, तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल कैपिटल डी, कैपिटल डी, तो डी डी कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो अगर मैं इनिशियली थीटा वन, थीटा की वैल्यू है थीटा आई और वेवलेंथ है लैम्डा आई कर देते हैं अपॉन स्मॉल डी, फाइनली थीटा फाइनल इज इक्वल टू लैम्डा फाइनल इज इक्वल टू स्मॉल डी, तो मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, थीटा फाइनल अपॉन थीटा इनिशियल इज इक्वल टू लैम्डा फाइनल अपॉन लैम्डा इनिशियल। तो हमको जो ये जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है इसको 10% इंक्रीज करना है, यानी थीटा फाइनल को, तो थीटा फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल थीटा में 10% का इंक्रीमेंट, 10%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इनिशियल प्लस थीटा इनिशियल इंटू 10/100, 0 0 कटेगा 1/10, यानी थीटा फाइनल हो गया 11 थीटा इनिशियल बाय 10, ये हो गया थीटा फाइनल की वैल्यू। अब ये यहां पुट करेंगे तो 11 थीटा इनिशियल बाय 10 डिवाइडेड बाय थीटा इनिशियल इज इक्वल टू लैम्डा फाइनल अपॉन लैम्डा इनिशियल, थीटा इनिशियल थीटा इनिशियल कटा, मैं यहां इसको लिख देता हूं, लैम्डा फाइनल अपॉन लैम्डा इनिशियल इज इक्वल टू 11/10 होगा। अब इनिशियल वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, ये है, तो लैम्डा फाइनल इज इक्वल टू 11/10 इंटू लैम्डा इनिशियल, तो 11/10 इज इक्वल टू क्या होगा, 5890, ठीक है, 0 से 0 कटा, ये आ जाएगा, अगर 11 से 589 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 589 मल्टीप्लाइड बाय 11 आ रहा है 6479, तो लैम्डा फाइनल आया 6479, ठीक है, कितना एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ में चेंज कितना करना पड़ेगा, चेंज इन वेवलेंथ, तो लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल, लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल, लैम्डा फाइनल की वैल्यू कितनी है, अभी हम लोगों ने निकाला 6479 माइनस लैम्डा इनिशियल 5890, दोनों में डिफरेंस कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 6479 माइनस 5890 आया कितना, 589। तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 589 आई है ना, एक मिनट, 589, ठीक है, 589। और ये लैम्डा फाइनल की वैल्यू ज्यादा है यानी इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना, 589, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, पहले ही ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, वेवलेंथ में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 589 एंगस्ट्रॉम इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,